देखिए, बहुत लोग जानते हैं कि मीनाक्षी और राजकुमार संतोषी जी उनको पसंद करते थे, शादी बहुत करना ज्यादा चाहते। करते थे। मुझे वो बताइए ना, देखिए इसको बड़ा खुल के कभी लिखा गया, लिखा जाता था इनके बारे में? नहीं लिखा नहीं, लोग लिखते थे पर ज्यादा नहीं खुलते थे, क्योंकि संतोषी जी भी इतना नहीं चाहते थे कि किसी लड़की की बेवजह से बदनामी हो, और शादी हो भी जाती। मैंने तो खुद देखा कि शादी हो सकती थी। उनकी माँ उनकी वजह बनी थी, किसकी? माँ नहीं चाहती थी, जो सुंदरी से शादी थी उनकी मदर, वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार संतोषी से शादी हो, क्योंकि अब माँ का तो आप जानते हैं कि माँ का दिल क्या है, क्या सोच रहा है, वो तो किसी को बताती नहीं थी। और मैंने जो जितना गैस किया, मैं उनके साथ बहुत रही, तो मैंने ये गैस किया कि वो माँ नहीं चाह रही कि शादी हो। बाकी मीनाक्षी जी के भी मन में आ गया था कि वो संतोषी जी से शादी कर सकती थी, पर उन्होंने आपको कभी मीनाक्षी जी ने हिंट दिया कि मुझे पसंद है और मैं? हाँ उन्होंने मैंने कहा कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा देखिए ये बात तो मुझसे मत पूछे कि मैं क्यों नहीं करना चाहती हूँ, अच्छे हैं डायरेक्टर, अच्छे हैं, उन्होंने फिल्में अच्छी दी हैं, पर मेरा अपनी पर्सनल वजह। फिर मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश करी, तो जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, कि उनकी मदर नहीं चाहती थी कि शादी हो। और संतोषी जी ने कभी आपको कहा कुछ कि? संतोषी जी ने बहुत कहा कि अगर मेरी शादी होती है तो आप सबसे पहले इनवाइटीज रहें, क्योंकि इनके घर की बहुत तो सारी संतोषी जी ने बातें। आपको बताया था कि मैं मीनाक्षी से हाँ प्यार करता बहुत हूँ, ज्यादा, बहुत बार बहुत बताया था। बार। जब घायल रिलीज हुई थी तो मुझे याद है सनी सुपर साउंड में वो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कुछ आवाज आए कि भाई फिल्म सुपर हिट हो रही है। हाँ तो फिर शाम को किसी ने मैसेज किया कि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो रही है, तो फिर आप इस फिल्म को बहुत सक्सेस, सफलता मिल रही, तो बड़े खुश हो गए कि चलो मैं पहली बार मैंने फिल्म करी हाँ और फिल्म इतनी सुपर हिट हो गई, तो बड़े खुश हुए थे। और फिर उसी समय उन्होंने मुझे सनी सुपर साउंड में बहुत सारा नाश्ता मंगवा के और खिलाया, और चलते समय एक पेन की गिफ्ट भी दी थी उन्होंने कि आप इससे राइट अप करिएगा। मीनाक्षी को लेकर क्या कहते थे आपसे? मीनाक्षी को लेके बहुत चाहते थे, बोले आपसे क्या कहते थे? हमारा प्यार हुआ पहली बार में जब वो घायल का गाना हुआ मीनाक्षी का, जब तो मैंने उसको फर्स्ट लुक में मैं उसके ऊपर एकदम फिदा हो गया। तो घायल का एक अकेला गाना था जो मीनाक्षी पे फिल्माया जा रहा था, तो उस लुक से मेरे मन में वो बस गई थी, ये उन्होंने हमें बताया। आपको बोलते थे मैं शादी करना मैं चाहता वो हूं? बराबर कहते थे शादी करेगा तो मैं पलक पावड़े पे बिछा के रखूंगा। आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं मीनाक्षी के लिए कसक रहती है, ये है। और जब शादी नहीं हुई उसके बाद आप लोगों से बातचीत होती हाँ थी? बराबर, हम जब भी जाते हैं बॉम्बे तो मिलते हैं उनसे, और अब तो खैर गृहस्थी वाले हो गए, मगर कभी कभी पुराने किस्से छिड़ जाते हैं तो याद करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, मगर ये है कि अब किसी की गृहस्थी बस गई तो उसमें मतलब क्या। ये एक ऐसा प्यार था जो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, खासतौर से राजकुमार संतोषी चाहते थे। राजकुमार संतोषी की तरफ से मीनाक्षी ने कभी ज्यादा खुल के उसको एक्सेप्ट नहीं किया? और चाहती तो थी पर मदर की वजह से नहीं हो पाया, और उनकी बहन थी निम्मी जी, मीनाक्षी की बहन, तो उनके दो बच्चे, तो उनके लिए भी इन्होंने बहुत किया संतोषी जी ने, उनके मन का खाना मंगवाना, उनको कहीं घूमने जाना तो अपनी गाड़ी दे देना, बहुत किया इनके परिवार के लिए। मुझे अफसोस होता कि शादी नहीं हुई, बड़ा दुख हुआ। फिर मीनाक्षी की शादी किससे हुई? मीनाक्षी किसे वहां पर है आपका क्या बोलते हैं बैंगलोर। टेक्सास में, हाँ ये हरीश, हरीश कुछ आगे, हरीश मंसूरी से, हरीश हाँ मंसूरी से। हाँ अब दो बच्चे हैं इनके, हाँ एक लड़के का नाम है संजोष और लड़की का नाम केंद्रा है। आप टच में हो मीनाक्षी अभी के? भी कैसे? टच में है, अभी भी वो ईमेल वगैरह करती रहती है, हाँ कभी कुछ मेल में टच करती, में। करती रहती है, पूछा भी करती कि इंडिया में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा हाँ है। आई भी थी बीच में, ऋषि हाँ कपूर जी से मिली थी, हाँ कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा भी था कि आप बॉम्बे आइए, पर मेरा जाना हो नहीं पाया, तो फोन पर बात हुई थी। और जो उनके गुरु हैं पंडित रविंद्र अति बुद्धि जी, वो तो अभी भी टच में रहते हैं, क्योंकि उनका स्कूल है वहां पर, मीनाक्षी जी ने खोला है डांस का। तो जब जाते हैं अमेरिका तो टेक्सास, तो वहां पर जाकर के उनके कुछ शिष्यों को शिक्षा भी देते हैं और उनसे मिलकर भी आते हैं, ये है। तो मीनाक्षी से कितने साल हो गया नहीं मिले आप? लास्ट कब मिले थे? लास्ट हम मिले थे 2000 में मिले थे। 2000 में।
फिर उसके बाद वो चली गई, वो चली गई और उन्होंने अपना घर भी बेचा और हमसे पूछा भी था कहाँ पे था घर, खार में था, मूनबीम बिल्डिंग में, हाँ, पेंट हाउस था इनका पूरा ऊपर फ्लोर हाँ, थी हाँ, और पूछा भी था कोई लेना चाहे तो बताओ, तो मुझे उस समय कोई का याद ही नहीं रहता तो मैं किससे कहूँ कि भाई इनका घर ले लो, ये है। पर उनसे हमारा अच्छा टच था, जूही से हमारा अच्छा टच। मीनाक्षी की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ करती थी इंडस्ट्री की अभिनेत्री उन दिनों, ऐसी दोस्ती होती थी अभिनेत्री? उनकी दोस्ती किसी से ज्यादा रहती नहीं थी क्योंकि बड़ी रिजर्व थी, बहुत कम घुल मिल पाती थी, वो दूसरी अभिनेत्रियों से अलग है, है ना? तो उनको कोई ये नहीं था कि मुझे कोई बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिले, चलो आ गई हूँ तो आ गई हूँ। लाए उनको मनोज कुमार थे, पर नेम एंड फेम मिला उनको सुभाष गई की फिल्म से, तो वो अपना जिनसे खुल गई सो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली, ये वाला हाल था। और मिलती थी तो बहुत अच्छे से मिलती थी ऐसा। लेकिन जो करियर को छोड़ा ऐसा पीक में, इतना अच्छा करियर था उनका, क्यों छोड़ा, फिल्मों में क्यों दूर हो गई, शादी की वजह? उन्होंने ये सोचा कि मदर, असल में मदर से बहुत अटैच थी और मदर जो थी वो साथ में चलती थी, अब उनकी भी हेल्थ डाउन हो रही थी कि कहीं साथ नहीं जा पाती थी, कई शूटिंग में उन्होंने हमें भेजा कि तुम चली जाओ, दो तीन शूटिंग्स में हम उनके साथ बाहर गए कि भाई तुम देख लो इनका ये कर लो। फिर उनको लगा कि अब जब मदर भी और हमारी शादी भी बाहर हो गई है तो अब शादी पे ज्यादा ध्यान दें, और डांस उनका पहला प्रेम था, डांस के लिए वो बिल्कुल हमेशा समर्पित रहती थी, आज भी कोई बुलाया डांस के लिए तो वो आएंगी अपने ट्रुप को ग्रुप को लेके। क्या बात है,